नमस्कार सभी को। सबसे पहले अरुणाचल टीडी टीम की ओर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आज हम बात करेंगे टीचर्स ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग पॉलिसी 2020 के बारे में। मैं बता दूं, 2019 के आखिरी महीने दिसंबर के 20th को कैबिनेट के द्वारा ये पॉलिसी को पास किया गया था, जिसमें ये देखा जाएगा जितने भी गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनका जो ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग होगा वो फ्री एंड ट्रांसपेरेंट वे से किया जाएगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट और कंसर्न डिपार्टमेंट देखेगी कि कंसर्न स्कूल्स में पूरे जो स्टेट में है सफिशेंट टीचर उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा, भले वो इंटीरियर हो या रीचेबल एरिया में क्यों ना हो। और साथ ही स्टेट के एजुकेशन सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए ये पॉलिसी को पास किया गया था। इसी सिलसिले में हमने जानने की कोशिश की स्टूडेंट लीडर्स से, साथ ही साथ पब्लिक से, कि उन्हें क्या कहना है ये पॉलिसी को लेकर। नमस्कार। अरुणाचल टीचर ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी जो अभी हाल जो फिलहाल गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल इंट्रोड्यूस किया है ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन के तरफ से, ये जो जो बिल है जो जो इंट्रोड्यूस किया है उसको हम लोग हार्डली वेलकम करता है। एंड इट्स एन वेरी मच नीडेड इनिशिएटिव, क्योंकि वी हैव सीन दैट मैक्सिमम टीचर्स इन द आर रिसाइडिंग इन द सॉफ्ट वेल टाउन सिटीज में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, बहुत से लोगों का यही है। एंड वी हैव सीन दैट इन द रिमोट एरियाज, दूर फार फ्लंग एरियाज जहाँ पे दूर इलाज है, वहाँ में जो टीचर्स है वहाँ में बहुत कमी गति है, वहाँ में टीचर्स नहीं है क्योंकि ना वहाँ में क्योंकि कोई जाना नहीं चाहता है। सो हम लोग देखा गया कि इसी कारण जो हमारे जो पॉलिटिशियन से कुछ भी उन लोग के द्वारा उन लोग हर कोई जो ट्रांसफ़र होता है टाउन सेंटर में लेना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। हाँ, इसको देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट बस हम लोग ये सब पॉलिसी लाता है ये सब लाते रहने से नहीं होगा। वी हैव टू सी द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल पे काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो देखना है, क्योंकि ऐसे बहुत सा पॉलिसी है जहाँ बहुत इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि समग्र शिक्षा अभियान योजना ये सब, और आपका डिजिटल क्लास ये सब पढ़ाना हो, ये सब गवर्नमेंट ने बहुत इंट्रोड्यूस किया, लेकिन जब हम लोग जाते हैं तो ग्राउंड लेवल पर वो जीरो होता है। तो हमारे गवर्नमेंट को ये ध्यान देना पड़ेगा, पॉलिसी इंट्रोड्यूस कीजिए, अच्छा पॉलिसी इंट्रोड्यूस कीजिए, पॉलिसी इंट्रोड्यूस कीजिए, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन और ग्राउंड लेवल को भी देखिए तो शायद अच्छा होगा। So we are looking forward that this policy will help the students and to restructure the dilapidated condition of education sector. Thank you. मैं हूँ योना टोनी और आज हम यहाँ ईटानगर के कैपिटल कम्प्लेक्स में हैं, और आज हम ये जानने आए हैं कि हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने जो टीचर ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग पॉलिसी पास किया गया था उस बारे में लोगों का क्या राय है, चलिए जानते हैं। क्या सर आप ये बता सकते हैं जो हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने जो टीचर ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग पॉलिसी पास किया गया था उस बारे में आपका क्या राय है? हाँ, टीचर का ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग पॉलिसी बनाया बहुत अच्छा है, लेकिन हर साल में हम सुनता है कोई भी गवर्नमेंट आता है टीचर ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग पॉलिसी बनाते रहता है बनाते रहता है, कितना तक इम्प्लीमेंट करता है वो अभी तक देखा नहीं है। तो आज ये बनाया लेकिन कितना इफेक्टिव होगा मालूम नहीं है, और लेकिन देखना भी ज़रूरी है। बहुत सा टीचर्स आपका जंगल में बैठा है, जैसा बस्ती में बैठा है, बहुत साल से बैठा है, और उनको चाहता भी है कि उनको वहाँ में बैठ हमेशा बैठने के लिए, और कोई यहाँ में टाउन में बैठा है जैसा पति पत्नी एक साथ पोस्टिंग साथ में होता है, तो उनको भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। अगर टीचर ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग पॉलिसी होता भी है तो ये चीज़ को ध्यान देना ज़रूरी है। और सर आप ये बता सकते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल जो टीचर को ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग पॉलिसी पास किया था उस बारे में आपका क्या राय है? ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग का पॉलिसी तो हमको मालूम नहीं है। अच्छा, सर ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ट्रांसफ़र पॉलिसी इसलिए पास किया था कि हर स्कूल या मिडिल सेक्शन हो, प्राइमरी सेक्शन या हायर सेक्शन हो, टीचर बराबर होना चाहिए, सब टीचर को लेके बराबर, हर स्कूल के बच्चा को अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए और हर सब्जेक्ट बेस में लेके, उसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने ये पॉलिसी पास किया गया था। अगर ये पॉलिसी को हम लोग नज़र रखते हुए तो काम करेगा तो कैसा रहेगा और एजुकेशन सेक्शन में कितना तक बेनिफिट होगा इस बारे में आपका तो क्या राय है? बहुत अच्छा बात है, जहाँ में स्टूडेंट मैंने टीचर लोग का अवेलेबल होना पड़ेगा हर स्कूल में ना, तो बच्चा लोग का बेनिफिट के लिए, स्टूडेंट कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए तो अच्छी बात है। सर और कुछ कहना है आपको? और तो कुछ कहना नहीं है, ये सब चीज़ ट्रांसफर पोस्टिंग जो गवर्नमेंट ऐसा यदि पॉलिसी बनाता है तो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, ये सब चीज़ में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना है। बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, सबको अच्छा होगा, क्योंकि सभी स्कूल में टीचर होना चाहिए सब, क्योंकि सभी शिक्षा तो सभी जगह ज़रूरी है, सभी जगह एकदम, जहाँ भी हो चाहे बस्ती में हो चाहे टाउन में हो चाहे कहीं भी हो, तो टाउन में सब चाहता है टाउन में आना, बस्ती में कोई नहीं जाना चाहता है, तो बस्ती में तो एकदम सही जाना चाहिए।
बस्ती में सही ट्रांसफर देना चाहिए, वही है, क्योंकि पेमेंट तो सब लेता है। पब्लिक आपको क्या लगता है कि ये पॉलिसी से अरुणाचल के एजुकेशन सिस्टम को कितना बेनिफिट मिल सकते हैं? सबसे पहले तो थैंक यू। एक्चुअली ये हम भी देखा था सोशल मीडिया में, पेमा खांडू जी का जो हमारा CM है ना, उसका जो ऑफिशियल पेज में हम देखा था अरुणाचल प्रदेश ट्रांसफर एंड पोस्टिंग का ना एजुकेशन का। मैं ड्राफ्ट कॉपी को मेरा पास नहीं है और लिया भी नहीं है और देखा भी नहीं है, लेकिन हम तो ये सुझाव देगा कि जैसे कि हम भी छोटा से पढ़ा है मिडिल स्कूल में था, महबूबा बोल के रिमोट एक एरिया है, वहाँ पे एक ही टीचर पढ़ाया करता था क्लास 1 से लेकर 8, उसमें LKG UKG हम लोग पता नहीं था, हम लोग सीधा क्लास 1 से एडमिशन लेता था ना, तो एक टीचर पढ़ाया करता था, एक टीचर से पढ़ के आज जो भी है ज़बरदस्ती तुकता करके आ गया। तो हम सोचता है कि ये अरुणाचल में अगर वो पॉलिसी बना रहा है तो बहुत ही बढ़िया होगा, हम तो सोचता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फेस करता है स्कूलों को वो टीचर का कमी, शॉर्टेज ऑफ टीचर। नॉट इन एवरी स्कूल यू कैन सी द स्कूल्स विच आर इन कैपिटल और विच आर इन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, वो लोग के पास सफिशेंट टीचर होता है। तो क्या होता है कि बस्ती में जो टीचर है, जो आउटसाइड में जो स्कूल्स है, वहाँ पे शॉर्टेज हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इक्वल एक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, तो उसका वजह से जैसे कि अभी सेपा में मेरा ख्याल से कुछ स्कूल में सफिशेंट टीचर होगा, लेकिन यहाँ से जब जाएगा बामिंग, मान के चलिए बामिंग हो गया, चैंगता जो हो गया, पाके केसंग हो गया, ये सब रिमोट एक आउटपोस्ट में, यहाँ पे लोग जाने के लिए नहीं मांगते। तो हम तो सोचता है कि गवर्नमेंट का तरफ से अगर कुछ पॉलिसी बनाता है तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को प्रोपोर्शन वे में सब्जेक्ट टीचर को, क्योंकि 5 सब्जेक्ट होता है, अगर इफ़ यू आर नॉट स्पेशलाइज इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट यू कैन नॉट टीच, और आप प्रॉपरली टीच भी नहीं कर पाएगा। उसमें क्या होता है कि सी द एजुकेशनल यू नो वो सब चीज़ जो है, एक गुड एजुकेशन अगर हम लोग को एक रिजल्ट मिलता है, इस तरह का एजुकेशन सिस्टम इज टोटली डिपेंड ऑन द टीचर्स। देखिए ये बहुत अच्छा पॉलिसी है, नंबर 1 तो अगर ऐसे होने से बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग का आजकल का जितने भी टीचर्स है वो जैसे प्राइमरी लेवल, मिडिल लेवल एंड हायर सेकेंडरी लेवल में जितना भी होता है वो रेगुलर नहीं होता है, तो वो किसी और को ड्यूटी करने देता है और अपना तो ड्यूटी करता नहीं है। इसलिए अगर ऐसे ये लागू पॉलिसी जो लागू होने से बहुत अच्छा है, स्टूडेंट को भी बहुत सारे स्टूडेंट को बेनिफिट भी होगा और अच्छा भी एजुकेशन भी आगे बढ़ेगा। थैंक यू सो मच हमसे बात करने। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम सानी बचुंग है, मैं ऑल बुगुन स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। सर आपको क्या कहना है ये ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को लेकर? ये टीचर ट्रांसफर एंड ये पॉलिसी जो अभी 2020 के बाद जो लागू होगा, मैं ओपिनियन से जो लागू होगा वो बहुत ही फ़ायदा होगा जो रिमोट एरियाज़ के लिए। अब तक जो हमारे जो अरुणाचल में जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो रिमोट एरियाज़ है वहाँ पे प्रॉपर टीचर नहीं है, वहाँ पे हर एक जगह में स्कूल ऐसे डिफंक पड़ा हुआ है जहाँ के टीचर नहीं होने के कारण से। क्यों वहाँ पे नहीं टीचर नहीं होता है? क्योंकि वहाँ पे आपका ऐसा जगह है कि रोड कनेक्टिविटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं होने के कारण से हमारा जगह ऐसा है कि वहाँ पे कोई टीचर मतलब आने नहीं मानता है। तो वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारा अरुणाचल प्रदेश ये आपका एजुकेशन सेक्टर में। सर आपको क्या कहना है ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी? इसको तो हम ज़्यादा तो नहीं कहना है, मगर जितना हम देखा है, जैसे कि अभी हम अपना बस्ती में देखा है, बस्ती में भी देखा है कि बहुत सा टीचर लोग का कमी कथिया होता है, जैसे कि पोस्टिंग और पॉलिसी को लेके। अभी कोई यहाँ में टीचर रहते पहले, फिलहाल हम लोग ये कस्बी एरिया में जो हम लोग टीचर था थोड़ा एक दो थो, तो टीचर लोग को यहाँ अच्छा पढ़ा रहा था, तो पढ़ाने का वजह में बात को जैसे कि पॉलिसी कहता है ये MLA पॉलिटिकल के पावर का वजह से, तो उसको लेके फिर अपने जगह में लेके गया, लोग जहाँ में चाहता है वहाँ में, क्योंकि ये सबको तो अच्छा नहीं लगता। मगर अभी जो पोस्टिंग और पॉलिसी के बारे में जो अभी सुना है हम लोग को अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ में जैसे कि पॉलिटिकल पावर ताजी नहीं होगा बोला है, जो लोग का जैसे कि जो भी रिमोट प्लेस में बेच देगा, जैसे कि आपको दिबिन हो गया, डिब्रिक हो गया, जैसे जहाँ जहाँ में रोड नहीं पहुँचा, जैसे कि नफर एरिया में रिमोट प्लेस में जैसे कि दिहुंग हो गया, तो उस जगह में ऐसे होता है कि टीचर लोग वहाँ में पोस्टिंग करा देता है, फिर टीचर लोग भेजते नहीं है क्योंकि उन लोगों को रोड नहीं होने की वजह से। तो इसके बाद में लोग सिर्फ एक हफ्ता पढ़ाता है, फिर इसके हफ्ता महीना भर तो बच्चे लोग ऐसे पढ़ते हैं। तो इस बार मैंने सुना है कि इसमें ना तो कोई भी पॉलिटिकल का अफेयर्स नहीं रहेगा, तो उसके लिए हम लोग बहुत अच्छा लगा।
थैंक यू सर। थैंक यू। तो यहाँ के स्टूडेंट लीडर के साथ हम खड़े हैं अभी, तो हम जानना चाहेंगे कि आपका क्या राय है इसका बारे में। जैसे कंसर्न सिटीजन, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है इस टीचर्स के ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग्स को ट्रांसपेरेंट रखने का, मुझे लगता है कि ये जो डिसीजन है वो काफ़ी हद तक अच्छा है। आई थिंक लाइक स्टूडेंट्स को ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ टीचर्स अपने कन्वीनियंसी को देख के पोलिटिकल बैकअप और या फिर बैकडोर का बेस में वो अपना कन्वीनियंट इलाका में वो पोस्टिंग ले लेता है। तो इसके कारण भी कभी दिन ऐसा होता है कि कोई स्कूल्स में टीचर्स का बहुत कमी हो जाता है, और जिस कोई कोई ऐसा स्कूल हो जाता है जिस पे मतलब टीचर्स का एबिलिटी ज़्यादा हो जाता है, जहाँ उतना ज़रूरी नहीं है तो उतना टीचर्स वहाँ रह जाते हैं। तो आई थिंक लाइक इस डिसीजन के बाद आई थिंक हर टीचर्स को जहाँ पोस्टेड होना चाहिए तो वहाँ प्रॉपरली पोस्टिंग होगा शायद। तो अगर ऐसा होता है तो हम भी काफ़ी थैंकफुल होंगे गवर्नमेंट को। तो आई थिंक लाइक बिल तो शायद पास होते रहेगा या डिसीजन को बनते रहेगा, तो इम्प्लीमेंटेशन भी मैटर करता रहेगा। तो आई थिंक ये डिसीजन के बाद आई थिंक इम्प्लीमेंटेशन में भी थोड़ा जोर देना है। कि अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश का कैबिनेट में जो अरुणाचल प्रदेश टीचर्स ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग पॉलिसी 2020 का पास किया गया है, इसका आपको आपका राय क्या है, आपका ख्याल क्या है कि कितना इफ़ेक्टिव होगा ये? ये जहाँ तक देखा गया है, जहाँ तक हम सुना है, पढ़ा है, और अच्छा पॉलिसी है, क्योंकि नया नया रिक्रूट्स लोग को, सब लोग यंग एनर्जेटिक वाला लोग होता है, तो उन लोग को फर्स्ट टीयर में हार्ड में दिया जा रहा है। उसके बाद फिर उन लोगों का होगा कि मीडियम आएगा, फिर लास्ट में जाके सॉफ्ट में दिया जाएगा। तो हार्ड में क्या होता है कि 3 साल उन लोग का मतलब रहना ही है बोलता है, तो उन लोग के लिए अच्छा ही रहेगा, क्योंकि हम लोग का रिमोट एरिया में बहुत सारा ऐसा है कि मतलब स्कूल लोग का फैसिलिटी ठीक नहीं है। तो जहाँ तक हार्ड सिचुएशन में अगर यंग वाला लोग जाएगा तो डेफिनेटली अच्छा करेगा वो लोग, क्योंकि नया नया जॉब मिला है तो नया नया उन लोग का काम करने का अच्छा होता है, काम करने का मन होता है। तो मेरा ख्याल से तो ये बहुत अच्छा पॉलिसी है गवर्नमेंट का तरफ से, और ये एक्चुअली बहुत सारा आदमी लोग को मालूम भी नहीं है कि ये ऐसा पॉलिसी हो रहा है अरुणाचल में। तो आप लोग का तरफ से ये सब अगर अच्छा से दिखाया जाए, सुनाया जाए सबको, तो सबको मालूम होगा, अच्छा रहेगा कि पता होगा कि हाँ ये पॉलिसी अरुणाचल में लागू हुआ है अभी। तो अच्छा है ये चीज़, तो जहाँ तक तो दाम देखा है अच्छा ही है। जैसे कि आप सभी ने देखा, अभी स्टूडेंट लीडर साथ ही साथ जो पब्लिक है वो खुश है ये पॉलिसी को लेकर, लेकिन देखना ये होगा कि ये पॉलिसी इफ़ेक्टिव होती है कि नहीं, वो इम्प्लीमेंट ठीक तरीके से किया जाता है कि नहीं, वो देखना होगा।